Hello everyone, welcome back to our channel. Continuing our 7-day spoken English learning journey, aaj hum start karenge part 3 of the video. As we have done, is video mein bhi kuch grammar ki cheeze hongi, kuch aapke liye naye words honge, some practice exercises and a whole lot of other interesting tips. So, let's begin. All right, so हमारी first exercise है 5 ways to say और इसमें हम एक statement लेंगे and I'll tell you 5 ways of saying it. So हमारा आज का scenario है when you want to ask someone for help. तो पहली statement है could you please assist me with this task. आप किसी से पूछ सकते हैं कि क्या वो आपको असिस्ट करेंगे जिस भी आपको टास्क में आपको हेल्प चाहिए. एंड मेक श्योर आप इन सारी स्टेटमेंट्स को एडिट कर सकते हैं अपनी यूसेज के हिसाब से. नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई एम हैविंग सम डिफिकल्टी विद दिस प्रोजेक्ट, कैन यू लेंड अ हैंड. लेंड अ हैंड का वही मतलब है जब आप हेल्प किसी से मांग रहे हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट I would use your expertise on this matter. Can you guide me? तो अगर ऐसा कोई इंसान है जिसका उस प्रोजेक्ट पर उस टास्क पर ऑलरेडी काफी एक्सपर्ट ओपिनियन है, आप उनसे हेल्प लेते हुए ये स्टेटमेंट कह सकते हैं और उनकी गाइडेंस मांग सकते हैं इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प. नेक्स्ट है Would you mind giving me a hand with this problem या with this task, whatever works? This one is another way of asking कि अगर दूसरे इंसान को कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर वो हमें थोड़ी हेल्प कर दें. एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज आई एम अ बिट स्टक, कुड यू ऑफर सम हेल्प और एडवाइस. इस स्टेटमेंट में आप खुद मान रहे हैं कि आप किसी पॉइंट पर आकर अटक गए हैं, विच इज वाई आप दूसरे इंसान को पूछ रहे हैं इफ ही वुड बी ओके अगर वो आपको या तो हेल्प कर दें या कोई एडवाइस ही दे दें कि आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं. अब से उस इंसान ने आपकी हेल्प कर दी, नाउ यू नीड टू थैंक देम. सो हियर आर 5 वेज टू से थैंक यू टू द अदर पर्सन. फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक वन इज थैंक यू वेरी मच. सिर्फ थैंक यू कहना हो सकता है थोड़ा इनफॉर्मल लगे आपको किसी सिचुएशन में, तो आप कह सकते हैं थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वन इज आई अप्रिशिएट योर हेल्प. इस स्टेटमेंट से आप सामने वाले को बता सकते हैं कि आपने एक्नॉलेज किया है कि उसने आपकी मदद करी और अब आप उसकी सराहना भी करते हैं कि उसने आपकी मदद करी. नेक्स्ट स्टेटमेंट है थैंक्स अ लॉट for your assistance. Now, assistance is a synonym of the word help. Uska paryayvachi hai and it gives a lot more formal texture to your statement. Next statement hai, I am so grateful for your support. Ye statement aap keh sakte hain apna aabhar vyakt karne ke liye ki samne wale ne aapki madad kari, aapko support kiya, uske liye aap kitne aabhari rahenge. लास्ट वन हियर इज आई कांट थैंक यू इनफ. मैं जितना आपको धन्यवाद दूं उतना कम है, इसके लिए आप कह सकते हैं आई कांट थैंक यू इनफ. अब मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जो कि है सिनोनिम्स. आपको एक वर्ड दिया जाएगा क्वेश्चन में और 4 ऑप्शंस में से आपको सही प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा आंसर होगा. दीज आर ऑल्सो SSC लेवल क्वेश्चंस. Let's begin. First is amble. अब इसके options हैं bustle, stare, wander या trot. And it's brilliant if you knew the answer. And if you didn't, the answer is wander. जिसका मतलब है to walk somewhere slowly with no particular sense of direction or purpose. बिना किसी purpose के अगर आप कहीं चल रहे हैं उसे कहते हैं wander और also amble. बाकी words के भी meaning देख लेते हैं. Bustle का मतलब है to move in a busy, noisy, exciting way. किसी अगर आप
मार्केट प्लेस में जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, द हसल एंड बसल ऑफ द मार्केट प्लेस। नेक्स्ट, स्टेयर का मतलब आपको शायद पता होगा, इसका मतलब है किसी को एकटक देखते रहना। और लास्ट, ट्रॉट का मतलब है टू मूव फॉरवर्ड एट अ स्पीड दैट इज फास्टर देन अ वॉक। जनरल वॉकिंग से थोड़ा सा तेज चलने को कहते हैं ट्रॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनेविलेंस। इसके ऑप्शंस हैं सिवियरिटी, मैलेविलेंस, कंपैशन, इम्पैशन। और इसका सही आंसर है कंपैशन। बेनेविलेंस का मतलब होता है एक ऐसी क्वालिटी जो कि आपको काइंड और हेल्पफुल बनाती है दूसरों की तरफ। कंपैशन का भी ऐसा ही मतलब है कि आप समझ पाएं दूसरे की सफरिंग को। सिवियरिटी एक अलग चीज़ है जो कि अनकाइंडनेस से रिलेट करती है। और मैलेविलेंस का मतलब है जब आप चाहें किसी की हार्म करना। और इम्पैशन का मतलब है किसी चीज़ को पैशनेट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिनाउंस। इसके ऑप्शंस हैं कंडोन, हैम्पर, प्रिवेंट या फोरसेक। आई गिव यू 10 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट द आंसर। सो रिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना। एंड द करेक्ट आंसर देयरफॉर हियर विल बी फोरसेक, जिसका मतलब किसी इंसान या किसी जगह को हमेशा के लिए छोड़ देना। हैम्पर और कंडोन के एकदम ही अलग मतलब होते हैं। एंड इफ यू नो व्हाट इट इज, कमेंट इट डाउन बिलो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है गाइल। और इसके ऑप्शंस हैं करेज, शाइनेस, जेंटलनेस या स्लाइनेस। गाइल आप ऐसे इंसान को कहेंगे जो कि क्लेवर है पर डिसऑनेस्ट मीन्स को यूज करते हुए। और ऐसा ही मतलब है हमारे आंसर वर्ड का स्लाइनेस, जिसका मतलब है आप धोखा देते हुए लोगों को उस चीज तक पहुंचें जो आपको चाहिए। सो द आंसर हियर इज स्लाइनेस। करेज, शाइनेस और जेंटलनेस एकदम ही अलग वर्ड्स हैं। करेज का मतलब बहादुरी से है, शाइनेस का मतलब शर्मीलेपन से है और जेंटलनेस का मतलब एक काइंडनेस और कामनेस की क्वालिटी है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अबंडेंट। और ऑप्शंस हैं अबिज्मल, स्कार्स, इफेमरल या प्लेंटीफुल। अब सिंस ये बहुत यूज्ड अप वर्ड है, आई एम होपिंग यू नो इट। एंड इफ यू नो द आंसर, कमेंट इट डाउन बिलो। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज वोकैबुलरी। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है सीरीन। सीरीन और इसका मतलब है काम, पीसफुल और अनट्रबल्ड। कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल पीसफुल हो, उसको आप कहेंगे, उस सीनरी को आप कह सकते हैं सीरीन। नेक्स्ट वर्ड है एनिग्मैटिक। एनिग्मैटिक और इसका मतलब है मिस्टीरियस, पजलिंग और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। पहले वर्ड से ये बिल्कुल ऑपोजिट है। जो चीज आपको समझ ही नहीं आ रही हो, बहुत रहस्यमयी हो, उसे आप कहेंगे एनिग्मैटिक। नेक्स्ट वर्ड जुबिलेंट। जुबिलेंट और इसका मतलब है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट जॉय एंड ट्रायम्फ। जब आप बहुत ज्यादा खुश हो तब आप वर्ड यूज कर सकते हैं जुबिलेंट। नेक्स्ट कंपैशनेट। कंपैशनेट और इसका मतलब है शोइंग एम्पैथी एंड केयर फॉर द सफरिंग और डिफिकल्टीज ऑफ अदर्स। जब आपको दूसरे की सफरिंग दिखे और उसके लिए आपको दुख महसूस हो, उसे कहते हैं कंपैशनेट होना। हिंदी में जिसे कहेंगे करुणामय, वो होगा कंपैशनेट। नेक्स्ट वर्ड अनवेवरिंग और इसका मतलब होता है रिमेनिंग फर्म। जो अपनी बात पर अडिग रहे, उसे आप कह सकते हैं अनवेवरिंग।
जो आपको कोई सपोर्ट देने में पीछे ना हटे उसे आप कह सकते हैं अनवेवरिंग सपोर्ट। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर एंड दैट इज रीड विद मी। इसमें है एक पैसेज यूजिंग लार्जली द 5 वर्ड्स जो हमने अभी अभी लर्न किए हैं। I'll read the passage slowly so you can pick up on the nuances and then read along with me. एक बार रीड करने के बाद आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके दोबारा हल्की सी फास्ट पेस में रीड कर सकते हैं। But while you do that, make sure to take the correct pauses जब कहीं कॉमा या फुल स्टॉप आए। So, let's start. In the serene garden, the enigmatic poet stood, his words flowing smoothly and gracefully from his pen. His verses painted pictures of compassionate hearts facing life's storms and unwavering courage. As the audience listened, they felt a jubilant spirit fill the air, knowing that within the verses lay the power to find joy in life's enigmatic twists and turns, guided by the compass of compassion. Now you can pause and read it again. And we will move on now to our next exercise, that is idioms that enrich and bring color to your language. And the one we are discussing today is burning the midnight oil. और इसका मतलब होता है working late into the night or putting a lot of effort and hard work to complete a task or achieve a goal. इसका मतलब हुआ कि अगर आप बहुत रातों को जग जग कर अपना काम complete कर रहे हैं, जो आप अपने success पाना चाहते हैं उसकी तरफ काम कर रहे हैं, तो आप ये idiom use कर सकते हैं burning the midnight oil। और अब हम move करते हैं अपनी last exercise पर, that is thought for the day। Learning is a journey, not a destination। Embrace each step and you'll eventually reach your destination of knowledge and growth। सीखना जो है वो एक journey है, कोई destination नहीं है जिसको आप पा जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपने हर एक स्टेप पर ध्यान देना है और डेस्टिनेशन का ध्यान नहीं रखना है। डेस्टिनेशन जो आपकी नॉलेज की है वो आप ग्रोथ के अकॉर्डिंग पा जाएंगे। ऑन दैट नोट, कीप लर्निंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड कीप एंजॉयिंग द जर्नी एंड आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून।